नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में बात करी थी, रेफरेंस फॉर प्रेशर के बारे में बात करी थी। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेशर को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेशर। तो ये वीडियो जो है ये कुछ पार्ट्स में आएगी, जहां पे हम हर एक इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही डेप्थ में समझाएंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के बारे में, और यहाँ पे आज हम एक इंस्ट्रूमेंट भी लेंगे, ठीक है, और उसको हम समझेंगे कि ये वो कैसे वर्क करता है। तो देखिए, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मैनोमीटर्स और दूसरा है मैकेनिकल गेजेस। ठीक है, और अगर हम देखें मैनोमीटर, ठीक है, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, तो मैनोमीटर्स को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट्स में, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। और जो आपके मैकेनिकल गेजेस हैं वो होते हैं, मैकेनिकल गेजेस सिंपली जो होते हैं वो होते हैं आपके बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डायफ्राम प्रेशर गेज, बिलो टाइप प्रेशर गेज, डेड वेट प्रेशर गेज, और जब आप वैक्यूम प्रेशर को मेजर करते हो तो उसके लिए भी हमारे कुछ प्रेशर गेज होते हैं। ठीक है, वो सब हम स्टडी करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। तो आज अभी हम बात करते हैं किसके ऊपर, मैनोमीटर्स के ऊपर। ठीक है, मैनोमीटर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सिंपल मैनोमीटर क्या होता है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सिंपली पहले आप ये देख लीजिए कि मैनोमीटर्स जो है उनको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, जो सिंपल मैनोमीटर है उसमें आते हैं आपके पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो सिंगल कॉलम, जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर है उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर और इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। यहाँ पे सिर्फ एक एंगल का फर्क होता है। और यहाँ पे डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है आपका यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और नहीं है, इसके अलावा और भी है। तो ब्रॉडली हम जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। तो देखिए मैनोमीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं मैनोमीटर्स की। तो मैनोमीटर होते हैं, दीज आर द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर प्रेशर एट ए पॉइंट इन अ फ्लूइड बाय यूजिंग ए कॉलम ऑफ लिक्विड। पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन है कि मैनोमीटर्स आर बेस्ड ऑन हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब है। और थर्ड है कि हाइट ऑफ द लिक्विड प्ले मेजर रोल टू फाइंड प्रेशर। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक YouTube मैनोमीटर है, आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो देखिए, पहली लाइन थी कि दीज आर द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर प्रेशर एट ए पॉइंट इन अ लिक्विड। मान के चलिए कोई भी हमारा एक आपका वेजल है, ठीक है, अभी हमने इसका प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, तो जैसे कि ये है आपका, ठीक है, यहां पे आपको प्रेशर मेजर करना है। ठीक, तो जिस पॉइंट का हमें प्रेशर मेजर करना है उस पॉइंट का प्रेशर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मैनोमीटर्स को। ठीक है, किसी पॉइंट का प्रेशर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मैनोमीटर्स को। तो जो आपका कॉलम है, कॉलम का मतलब हो गया कि ये चीज, ठीक है, ये जो आपकी हाइट हो गई, जैसे कि यहाँ पे हाइट क्या शो कर रहा है, ये जो चीज है, ये जो कॉलम है लिक्विड का, ठीक है, जहां पे आपको देखिए हाइट शो कर रखी है 100, 90, 80, 60, 50, 40, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है प्रेशर को फाइंड करने के लिए। क्योंकि देखिए प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी रो जी एच, ठीक है, तो ये जो एच है जिसको हम हेड भी कहते हैं, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है प्रेशर को फाइंड करने के लिए। तो ये यूट्यूब मैनोमीटर है, ठीक है, जिसका एक एंड कनेक्ट होगा कहां से, जहां का हमको प्रेशर मेजर करना है, और जो दूसरा एंड होगा वो ओपन होगा किस पे, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, उसी के बीच में वहां पे क्या होगा, एक डिफरेंस क्रिएट होगा। डिफरेंस क्रिएट होने के बाद क्या होगा कि कहीं पे हमारा जो लिक्विड होगा रेज हो जाएगा। तो ये लिक्विड मान के चलिए यहां तक रेज हो गया, तो हम ये हाइट मेजर कर लेंगे, ये हाइट मेजर कर लिया, इस फॉर्मूला में पुट करके हमें प्रेशर पता चल जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज थी कि मैनोमीटर्स आर बेस्ड ऑन हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस प्रिंसिपल। हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान के चलिए हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने के बाद हम उसको वेट करते हैं इक्विलिब्रियम में आने तक का। जैसे ही वो इक्विलिब्रियम में आता है, इक्विलिब्रियम में आने के बाद क्या होगा कि वहां पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे जो हाइट है, ये हाइट एक कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है, एच हमारा फिर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने इसको बैलेंस कर दिया। रेफरेंस मान के चलिए ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से यहां तक कि हमने हाइट ले ली, ठीक है, हाइट लेने के बाद
इसको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस पे किस प्रिंसिपल पे बेस होता है, हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस प्रिंसिपल पे बेस होता है। हम वेट करते हैं लिक्विड का इक्विलिब्रियम में आने तक, और जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है उसके बाद हम रेफरेंस पॉइंट से उसकी हाइट मेजर कर लेते हैं, और जो हाइट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेशर को फाइंड करने के लिए। ओके, आई होप कि आपको मैनोमीटर समझ में आए होंगे। तो देखिए मैनोमीटर दो पार्ट्स में डिवाइड थे, तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे सिंपल मैनोमीटर्स के बारे में। तो देखिए टाइप ऑफ मैनोमीटर यूज टू फाइंड प्रेशर ऑफ ए फ्लूड एट अ पॉइंट इन अ पाइप और कंटेनर, ठीक है। उसके बाद कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब, जैसे कि आप ये यहाँ पे ये ग्लास ट्यूब देख रहे होंगे, ठीक है, ग्लास ट्यूब यहाँ पे होती है, और वन एंड इज अटैच टू द पॉइंट एट विच प्रेशर इज टू बी मेजर्ड एंड अनदर पॉइंट इज ओपन इन एटमोस्फेयर। मतलब कि एक पॉइंट जो होता है आपका वो कनेक्ट होता है जहां पे हमें प्रेशर मेजर करना है। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा है, ठीक है, यहाँ पे हमने इस पॉइंट का हमें प्रेशर मेजर करना है, तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है ग्लास ट्यूब, और दूसरा एंड जो है वो ओपन है कहाँ, एटमॉस्फेयर में। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, ठीक, वन एंड इज अटैच टू द पॉइंट। ओके, अब देखिए सिंपल मैनोमीटर का जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है पीजोमीटर। तो हम पीजोमीटर के बारे में आज बात करते हैं। तो पीजोमीटर क्या होता है, बेसिकली ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सबसे सिंपलेस्ट मैनोमीटर है, सबसे सिंपलेस्ट। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है सबसे सिंपल है, और देखिए सबसे पहले इसका जो यूज होता है वो लो प्रेशर को फाइंड करने के लिए यूज होता है, विच इज अबोव द जीरो गेज प्रेशर। तो देखिए पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि गेज प्रेशर क्या होता है, तो जीरो गेज प्रेशर का मतलब हो गया कि जैसे कि मान के चलिए ये हमारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर बट लो, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वन एंड इज कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, अनदर इज ओपन इट इन एटमॉस्फेयर। मतलब कि जो एक पॉइंट है वो कनेक्ट होता है जहां का हमें प्रेशर मेजर करना है, ठीक है। मान के चलिए हमें पॉइंट पी का प्रेशर मेजर करना है, तो यहाँ पे इस एक एंड पे ये कनेक्ट होगा, क्या कनेक्ट होगा, ग्लास ट्यूब हमारी कनेक्ट होगी, और दूसरा एंड जो है वो ओपन होता है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में हमारा ओपन होता है। यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है, यहाँ पे ओपन रहता है। तो ये जो ग्लास ट्यूब है इसकी जो हाइट इस तरीके से होती है कि ये जो लिक्विड है ये यहाँ से ओवरफ्लो ना कर पाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव प्रेशर को मेजर नहीं करता है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हाइट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर मेरे को पॉइंट पी का प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, अगर मेरे को प्रेशर मेजर करना है एट पॉइंट पी, तो सिंपली हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, एट पॉइंट पी पे अगर हमें प्रेशर मेजर करना है तो प्रेशर हो जाएगा एट पॉइंट पी रो जी एच, एच इज ए हाइट, हाइट किसकी, जो हमारा ग्लास ट्यूब है, जो हमारा ट्यूब है या जो हमारा कॉलम है उसकी हाइट। यहां से जी आपका क्या है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये है हमारी डेंसिटी। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ अंदर फ्लूड यूज होता है वो कौन सा यूज होता है उस पर डिपेंड करता है। पर जब हम मैनोमीटर्स की बात करते हैं, अभी जैसे कि हमने पीछे मैनोमीटर देखा था, मैनोमीटर्स, ठीक है, तो इसके अंदर जो लिक्विड यूज होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूड जो यूज होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूड जो यूज होता है वो मरकरी यूज होता है, ठीक है। मरकरी क्यों यूज होता है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, तो इसलिए हम मैनोमेट्रिक फ्लूड को मोस्टली हमारा जो होता है वो मरकरी यूज करते हैं हम। और जो मैनोमेट्रिक फ्लूड होता है, जो इसके अंदर जो फ्लूड होता है, ठीक है, वो यूज होता है मरकरी, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है। तो ये था हमारा पीजोमीटर, ठीक है। सिंपली आपको समझ में आया होगा कि पीजोमीटर में हमने क्या किया कि जो इसका जो हमारा ग्लास ट्यूब है उसका एक एंड कनेक्ट है कहाँ पे, जहां का हमें प्रेशर मेजर करना है, दूसरा एंड हमारा एटमोस्फेयर में ओपन है। तो देखिए यहाँ का प्रेशर मेजर करना था, हमने क्या किया, यहाँ पे इसे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ टाइम तक वेट करेंगे, इक्विलिब्रियम आने तक का वेट करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टेटिक लॉ, जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो एक सर्टन हाइट अटेन कर लेगा, उस हाइट को हम, उस हाइट का यूज करके हम क्या कर लेंगे, प्रेशर फाइंड कर लेंगे। ओके, आई होप कि आपको पीजोमीटर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।